ये देख के पूरा भूत बन चुके हैं होली में। पारी अपना मुंह दिखाओ, ये देखिए। और यहाँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और सभी के लिए हैप्पी होली। और ये देखिए बेदू बंस है ना, तभी बंस बंस आ रहा है याद। बोलो हेलो, बोलो हेलो। तो अभी हम लोग दिखाने वाले हैं आपको एक चीज जो कि ये भैया आपको मिली है गिफ्ट में। और देखिए कितनी प्यारी गिफ्ट मिली है भैया को। खोलो, दिखा दो इसमें क्या क्या, मतलब बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है भैया को। भैया आई कैट में है ना, नहीं उसी के अंदर से खोल दो, बॉक्स ही तो खुला है। तो ये भैया को यहाँ पे दो टी शर्ट मिली हुई है होली वाली। तो अभी यहाँ पे एक टी शर्ट मैं बनाने के लिए, ये कलर है, ये सारे हलवा कलर है। तो ये हमारी बॉडी के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। ये देखिए नेचुरल गुलाल, तो ये हमारी बॉडी के लिए कोई। और ये देखिए समोसे, और ये हवन सामग्री, और ये क्या है, गोपाल जी की ठंडाई, मतलब टमक गया रख दो उसी में। और ये भैया को इसमें इसमें ये देखिए ये मिठाई है। तो इसमें है ना जो चिंगम रहती है ना, उसका टेस्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी दे दे दे। अभी खाएंगे अपन। और ये बलून से हैं होली वाले, तो अभी हम लोग बलून तो नहीं निकालेंगे क्योंकि बलून का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे एक टी शर्ट निकालूंगी मैं, टी शर्ट। और ये देखिए पिचकारी वाली, ये पिचकारी है और इसमें साथ में चॉकलेट भी है ना। तो ये पिचकारी वाली चॉकलेट है, हाँ। तो काफी अच्छी गिफ्ट मिली हुई है भैया को यहाँ पे। और ये सारे कलर हैं। तो अभी आप लोग से मैं मिलती हूँ होली जहाँ पे होली खेला है वहाँ पे। और ये देखिए मैं होली वाली टी शर्ट पहन के एकदम रेडी हूँ। तो ये भैया को मिली है गिफ्ट में, तो मैं सोचेंगी रील्स भी बना लो अपने दो चार और होली भी खेल लूँ। तो अच्छा हुआ कि होली वाली टी शर्ट आ गए, वरना मुझे लेनी थी। तो अब कोई जरूरत नहीं है लेने की, तो अभी चलते हैं, चलो। और ये देखिए मेरी बैलून, चलो चलते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे ना होली खेलने की पूरी तैयारी हम लोग की हो चुकी है जोरों शोरों से। ये यहाँ पे हम लोग बैलून नहीं भरे हैं गाइस, ड्रम भर चुका है। और ये देखिए बेदी की, इसको क्या बोलते परी, इसको बोलते हैं जिससे बैलून भरते हैं, हाँ। अब गुलाल, यार गुलाल अभी वो नहीं करो वेस्ट, ठीक है। और बैलून दिखाओ, अभी पास से तीन ही बैलून खुले हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे होली खेलना स्टार्ट हो गई है। एक ड्रम हम लोग का यहाँ भर चुका है और एक यहाँ भर चुका है। तो अभी हम लोग होली खेलेंगे। तो यहाँ पे ये सारे हम लोगों के कलर रखे हुए हैं, और ये हम लोगों ने यहाँ पे पानी भर के रख लिया ड्रम सारे। और ये देखिए क्या मस्त जबरदस्त वाली होली खेली जा रही है, कितना मस्त तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे होली खेली है। काफ़ी एंजॉय किया है हम लोगों ने। और होली में बच्चों के साथ होली खेलो ना तो बहुत मज़ा आता है। तो मेरे घर पर तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, आमने सामने पड़ोस में हर जगह ही बच्चे बच्चे हैं। तो हम लोगों ने बच्चों ने होली खेली थी, वो काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और ये देखिए मतलब म्यूजिक भी बज रहा था, पर मैंने म्यूजिक को इसलिए हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट की वजह से ना म्यूजिक ऐड नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे हम लोग डांस ही कर रहे थे म्यूजिक पे। तो बाकी यहाँ पे हम लोग होली ही खेल रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ होली को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए पूरा भूत बन चुके हैं होली में। पारी अपना मुंह दिखाओ, ये देखिए। और यहाँ पे एक लौता इंसान ही है जो पूरा साफ है। और यहाँ पे मैं भी भूत ही बन चुकी हूँ ऑलमोस्ट। और ये देखिए गुन्नू मुझे दिखाओ, हाय। सभी लग जाएगी, उधर मत जाओ। और यहाँ पे हम लोगों ने साउंड भी रख चुका है, तो यहाँ पे सारे गाने वगैरह भी बजाए जा रहे हैं। तो अभी मैं ब्लॉग को यहाँ पे ऑफ ही करती हूँ क्योंकि मस्ती करते हैं, उसके बाद मैं ब्लॉग ऑन करूंगी।
काफी ज्यादा थक गए हैं होली खेल के। और ये देखिए सभी लोग बैठ गए हैं। अब जब लाइट आएगी तो हम धरी पे नहाएंगे। ये धरी पे नहाएंगे हम लोग। और बताना आप लोगों ने कैसी होली खेली। अभी भी नहीं रुक रही है कि हम लोगों ने तो ऐसी होली खेली है कि अभी भी हम लोग की होली नहीं रुक रही है। और गाइस यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग की वीडियो बना रहे थे, तो मैंने इतना बुरा डांटा कि भाग गए सारे छुप छुप के। मतलब है इतने छोटे छोटे के छोटे, पता नहीं आजकल के बच्चे। देखो और ये देखिए हमारी तीन मूर्तियां गांधी जी के तीन मंदिर में बैठी हुई है होली खेल के। ये देखिए गाइस हम लोग होली खेल के नहा धो के मतलब फ्री हो गए थे और फिर सो गए थे, काफी ज्यादा थक गए थे। तो हमने चुप रहो अभी दिखाती हूँ। तो मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, अभी मैं अपने कोचिंग से भी आ गई हूँ, सारा कुछ कर लिया पर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली मैं क्या था ना गाइज, इतना थक गई थी कि बता ही नहीं सकती हूँ। और ये देखिए बंदी यहाँ लेटा पड़ा है, नींद आ रही थी इसलिए आप सो रहे थे। नहीं गाइज इसको नींद नहीं आ रही थी, ये मेरा फोन चला रहा था, झूठ बोलता है ये। और ये अकेडमी के लिए रेडी हो गए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है कहाँ जाने का। तो अभी तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि यार काफी ज्यादा थक चुके हैं। तो मजा भी आ गया होली खेल के सभी के साथ। तो भाई होली में तो अच्छा लगता है, मजा भी आता है। लेकिन पता ना एक चीज मुझे ये लगती है होली खेलते टाइम कि ऐसा ना हो कि कहीं आँख में कलर चला जाए या कहीं मतलब मुंह में आँख में चला जाए, तो इस चीज का डर रहता है। तो हाँ आप जब भी होली खेलें तो आप नेचुरल कलर से ही मतलब हर्बल कलर से ही होली खेलें, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और बाकी ये सारे कलर तो आजकल केमिकल मिले हुए आ रहे हैं, तो फिर जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे खेल सकते हो। और ये देखिए देखो आपको आप बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते हो कि हम लोगों ने होली खेली है, क्योंकि हम लोगों ने ना हर्बल कलर से होली खेली है। तो देखो किसी के भी फेस पे इतना सा भी कलर का कोई भी मतलब निशान नहीं है कि लग रहा है कि होली के लिए किसी ने। तो इसीलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी गाइस 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 तो गाइस मैंने वो वहां पे अच्छे से नहीं नहाया होगा, बट मैं यही कहूंगी कि आप लोग होली खेलो तो हर बार कलर से ही होली खेलो, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे लिए कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, बाकी आपकी चॉइस है आप किस कलर से होली खेलना चाहोगे। हाँ कुछ बोलोगे क्या परी? हाँ, मैं बोला ना। मैं ये कहना चाहती थी कि इसके लिए दीदी ने कोई कोलैबोरेशन नहीं की है, वो खुद से बता। यस यस यस, ये मत सोचिए कि मैं ये मेरा कोलैब में था या मुझे इसका कुछ भी मतलब ऐड कर रही हूँ। नो, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो अपने समझ के मैंने ये आप लोगों को बताया है। तो इसलिए क्योंकि सभी के घर में छोटे बच्चे तो जरूर होंगे, एक ना एक तो हो गई, तो वो लोग होली खेलें तो आप लोग उनके लिए प्लीज हर्बल कलर ही लेके आए, क्योंकि ये केमिकल वाले कलर ना लेके आए, क्योंकि आजकल ना कलर इतने केमिकल वाले आ रहे हैं कि कभी भी साइड इफेक्ट कर सकते हैं, आँख में चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हर्बल कलर से ही खेलें। बाकी मैंने बहुत बकवास कर ली है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे ही हम लोग रेडी होके बैठे हुए हैं पार्क जाने के लिए, और बिदु बहुत रो रहा है क्योंकि वो जा रहा है अकेले में, मच्छर बहुत ज्यादा, अभी मैंने मच्छर को मारा है। और ये देखिए तो अभी हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बंस को पार्क लेके। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग ऑटो से गए हैं क्योंकि ना स्कूटी पे इतने लोग बनते नहीं। तो ये आ गए हम लोग पार्क, और ये देखिए परी की फ्रेंड अदिति, हेलो बोलो अदिति। और अभी हम लोग जा रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ क्या है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अंधेरा लगा हुआ है, बट अंदर का व्यू जो है ना बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे खराब है मेला, तो यहाँ पे ना बच्चों को काफी अच्छा लगता है और वो काफी एंजॉय भी करते हैं यहाँ पे। तो मैं दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। Thank you.
यहाँ पे हम सभी ने झूले झूले और बंसु को तो इतना मजा आ रहा था, उसने काफी ज्यादा झूला और यहाँ पे हम लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी ट्राई की और ये देखिए ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इस झूले से उस झूले, उस झूले से इस झूले, काफी झूले झूले और इसके बाद भी इसका मन नहीं भरा। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, बंस झूल रहा था और इसके बाद भी इसका मन नहीं भरा तो कहने लगा दूसरी पार्क में चलो जो कि पास ही पास में है। तो इसके बाद पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम ली, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम और ये देखिए ये आइसक्रीम नहीं खा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले अकेले खा रहे हैं, गला खराब। तो हम लोग यहाँ पे गए कंपनी बाग, तो यहाँ पे भी बंस ने थोड़ा सा खेला, खेलने के बाद यहाँ पे और भी पास में एक और पार्क है जो कि बहुत पुराना है, वो काफ़ी पहले बना हुआ था, ये तो अभी न्यू बना हुआ है। तो हम लोग को वहाँ भी जाना था क्योंकि मन जिद कर रहा था कि मुझे वहाँ भी जाना है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अभी तो फिलहाल में हम लोग आए हुए हैं कंपनी बाग और कंपनी बाग में ना शाम को बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम बहुत प्यारी वाइब आती है, रिलैक्स मिलता है आके ना, सुकून सा मिल जाता है, सारी टेंशन वगैरह सब कुछ से रिलैक्स मिल जाता है। तो ये देखिए बंस क्या मजे में आइसक्रीम खा रहा है और साथ में घूम रहा है, तो यहाँ पे बंस ने घूमा और हम लोग बैठे थोड़ी देर। देखिए मतलब इंसान करे तो करे क्या, बैठने के लिए भी ये ऐसे ये बनाए गए हैं, तो ये लुक देखो कैसे लग नहीं रही है, थोड़ी सी लग रही है ना, रिलैक्स मिल रहा है उसमें भी रिलैक्स। इधर बैठ जाओ यार बच्चों, और फिर इसके बाद आप हम लोग आ गए दूसरे पार्क और यहाँ पे भी बंस ने काफ़ी जाना झूले झूले, हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग क्या अपने गौसे भी कर रहे थे और क्या था, हम लोगों को तो वही लड़कियों तो को तो यही काम रहता है। फिर यहाँ पे परी और परी की फ्रेंड घूमने गई, मतलब झूला झूलने गई, तो ये देखिए हम लोगों के लायक तो एक यही है फिस वाला, बाकी सब तो बच्चों के लिए ही है। घूमने के बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ पे थोड़ा सा गन्ने का जूस पीने के लिए, तो यहाँ पे हम सभी ने गन्ने का जूस पिया क्योंकि गर्मियों में ना भाई जूस मिल जाए तो मज़ा ही कुछ आ जाता है, हम लोग थक भी गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।